एवरीबडी मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट टॉक ऑफ माइंड जहां पे मैं बोल रहा था न्यू इंडियन इकोनोमी चिल्ड्रन जब हमारी एल पी क्यू पॉलिसी कन्वर्ट किसमें हो गई एल पी नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इट्स लिबरलाइजेशन इट्साइजेशन एंडेशन वॉट इट क्लियर तो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई हुई है दो तीन चार बार कि भाई मनमोहन सिंह जी ने कैसे इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने की बात की तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब क्या है इट वेंट अंडर सच टाइप ऑफ चेंज जो एकदम शिफ्ट था मतलब हम एकदम देहाती से शहराती हो गए कहां आप सिर्फ लस्सी पिया करते थे और कहा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए कहां हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन नाम की चीज थी नहीं बट नाउ वट डेज मोर और लेस एवरी सेक्टर हैज बीन प्राइवेटाइज तो स्ट्रक्चरल का मतलब बहुत भयंकर टाइप का चेंज मेजर चेंज विच यू कैन से वॉट इट सो लेट्स अंडरस्टैंड कि 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या स्ट्रक्चरल चेंज आया मैक्सिमम चीजें पिछले चैप्टर से रिपीट मिलेंगी आपको लिबरलाइजेशन हो गया जो पहले लाइसेंसिंग था प्राइवेटाइजेशन हो गया जो अर्लियर क्या था प्रोहिबिशन और कोटा सिस्टम था जो खत्म हो गया नाउ इट इज ग्लोबलाइजेशन बेसिकली तो क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी बिकॉज 1948 फोर्टी एट एंड नाइनटीन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वर वेरी वेरी वीक इस पॉलिसी ने प्रमोट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उस पॉलिसी ने कायदे से रेस्ट्रिक्ट so एकदम लगाया था ऑन वॉट इज नोन एजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट्स वाई द ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो अनएलॉयमेंट ज्यादा क्यों था पढ़े लिखे लोग तो थे बट उनके पास काम करने के लिए टेक्नोलॉजी थी ही नहीं सो देर आफ्टर मोनोपोलिज ग्रो हुई कुछ जो रिच बिजनेसमैन थे सिर्फ उन्हीं को सारा प्रॉफिट मिलता था बाकी बिजनेसमैन बेचारे सिर्फ स्ट्रगल करते रहते थे फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस था वर्ल्ड बैंक का उधार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था चिल्ड्रन सो so, इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और ऊपर सोने पे सुहागा किसने कर दिया गल्फ वॉर आपने शायद हिस्ट्री की बुक में गल्फ वॉर पढ़ा होगा हमने तो गल्फ वॉर को एकदम लाइव टीवी चैनल पे देखा है जैसे आजकल वो गाजा और इसराइल की वॉर आप देखते होंगे

जिससे हमारा इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा था तो अगर शायद ये पॉलिसी ना होती चिल्ड्रन तो हमारा भी हाल आज वही होता जो बांग्लादेश चाइना और श्रीलंका पाकिस्तान का चिल्ड्रन बट वर्ल्ड बैंक को इंडियन इकोनॉमी में भरोसा था तो इसीलिए कुछ उन्होंने हमारे अंदर देखा होगा जितना हमारा गोल्ड गिरवी था चिल्ड्रन उसका लगभग थ्री टाइम्स उन्होंने हमको लेंड किया वन टाइम भी नहीं करते जनरली वर्ल्ड बैंक बट थ्री टाइम्स किया था तो एनआरआई डिपॉजिट्स काफी खींचे जा रहे थे लोग पैसा यहाँ लगा नहीं रहे थे और काफी तो नेताओं ने ही बर्बाद किया हुआ था देश को हाँ, यस तो क्या हाँ हाँ कब का छूट गया कब का छूट गया वही थोड़ा पढ़ रहेगा सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रेन हिसाब किताब ऑफ फॉरिन ट्रांजेक्शन जैसे अकाउंटिंग करते हैं हम लोग तो आपने सुना होगा भाई डेबिट क्रेडिट कुछ होता है इस तरह से एक्स वाई जेड सबको पता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ एक हिसाब किताब होता है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने में लगता कैसा है सिंपल क्वेश्चन वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज इट नेसेसरी टू ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज भाई सिंपल सी बात है आर आर थिंग्स अवेलेबल इन इंडिया एंड वी कैन प्रोड्यूस देम एट अ वेरी 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 लो कॉस्ट तो हम उसको दूसरी कंट्रीज को क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड देर आर सर्टन थिंग्स जो इंडिया में बहुत हेवी प्राइस पे अवेलेबल है बट हमारी किसी दूसरे पड़ोसी देश में वो सस्ती है तो क्या करेंगे हम उनसे इंपोर्ट कर लेंगे अब इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे ही होता है चिल्ड्रन और जब आप किसी कंट्री को सामान बेचते हो तो इट इज एक्सपोर्ट और किसी से खरीदेंगे तो सिंपल एज दैट इंपोर्ट अब आप अपने घर से बाहर निकले आपको शॉप नजर आई जे जे बेकरस आपको रेस्टोरेंट नजर आया एक्स वाई जेड आपको होटल नजर आया ताज मानसिंग तो भाई यहां पे आप जो भी सर्विस या गुड्स लेंगे बदले में आप पैसे देंगे विच करेंसी डू वी गिव एंड टेक इन इंडिया चिल्ड्रन INR इंडियन रुपी रुपी बट अगर आप यूएस से कुछ खरीदेंगे तो क्या उनको रुपी दे देंगे नो no. या यूएस को अगर आप कुछ डॉलर तो आप चाहेंगे कि आपको रुपी मिले बट हेयर एंड आफ्टर कम्स अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हर कंट्री को एक्सेप्टेबल होगा और इसी को बोलते हैं फॉरेक्स क्या बोलते हैं फॉरेक्स दैट इज फॉरेन करेंसी बट ये तो आज चलता है चल रहा है एक्सचेंज एंशिएंट टाइम्स में जो होता था

मेरा नाम लिख के सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट प्लेस कर दीजिएगा मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा इस थ्योरी को अबेंडन किया गया चिल्ड्रन देन गोल्ड बिकेम द बेस टू डिसाइड कैसे कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज होगा दैट थ्योरी वॉज नोन एज मिंट पैरिटी थ्योरी नाइंटीज के एरा से बहुत पहले फोर्टीज में आई कैन से इस थ्योरी में भी प्रॉब्लम थी तो इसको अबेंडन कर दिया गया आज जो थ्योरी चलती है चिल्ड्रेन दैट इज द थ्योरी फॉर डिमांड एंड सप्लाई आप जितना ज्यादा यूएसए इंपोर्ट करोगे डॉलर का दाम उतना बढ़ेगा और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे डॉलर का दाम उतना घटेगा अब ये कैसे होगा वीडियो दे दूंगा देख लीजिएगा नहीं तो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाऊंगा परेशान बिल्कुल मैं तो ये तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन ये है सो so कॉल्ड हमारा वॉट इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इट विजिबल टू एवरीबडी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होता जिसे आप बोलते हैं क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इसमें दो पार्ट होते हैं दो वी डू ऑन डेली बेसिस आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज अकाउंट करेंट अकाउंट and the second where we do record non recurring activities children this part is known as what yeah. capital account yeah, so inflow of foreign currency is resembled as credit and outflow is resembled as debit तो जब मैं इंडिया से फैक्ट्री में गुड्स बनाके यूएस चीन जापान रशिया and all that भेजूँगा it is known as credit. export तो foreign currency आएगी और जब खरीदूँगा तो इट इज इंपोर्ट हमारी करेंसी यहां से जाएगी सिमिलरली इफ आई स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज इट इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड यू पीपल स्टार्ट अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट हमारे लोगों ने सो so कॉल्ड पैसा इन्वेस्ट किया माइक्रोसॉफ्ट में पैसा इन्वेस्ट किया फॉरेन कंपनीज में उन्होंने हमको डिबेंचर्स पे

इक्कीस हजार करोड़ देके चले आए इट इज यूनिलेटरल पेमेंट तो इन सब में बच्चों अगर इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फेवरेबल है क्या है फेवरेबल और अगर पैसे जाएंगे ज्यादा और आएंगे कम तो वील से कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है रोजमर्रा की हरकतें जिस पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में चल चिल्ड्रेन इट इज नोन एज करंट अकाउंट समझ गया सब लोग

सौ दो सौ करोड़ का विला विचेस कर लिया इट इज कॉल्ड एज परचेज ऑफ आसेट इन फॉरन कंट्रीज हमने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया या किसी कंट्री को हमने लोन दे दिया तो ये जो आइटम नंबर नाइन टेन इलेवन चिल्ड्रन ये हमेशा नहीं होगा दिस विल टेक प्लेस प्लेसाइम्स और अगर इन नाइन टेन में चिल्ड्रन मनी फ्लोज इन इज मोर देन वॉट इज फ्लोइंग आउट आप बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या बोलेंगे फेवरेबल बट इन हरकतों में पैसे गए ज्यादा हैं और आए कम है टॉप टू बॉटम वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन सब इनफ्लो to है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व आउटफ्लो है अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो वील से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव या फेवरेबल है और अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो वील we'll से कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल तो नाइनटीज में बच्चों यही होता था कि पैसे जाते ज्यादा थे बट आते कम थे नॉन नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है दे आर रेकरिंग भाई हर वो रहीस कंट्री यूएस क्यों अफगानिस्तान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था क्यों दिखा रहा था बच्चों hmm. क्योंकि उनको को ढूंढना था आदमी मिल गया मार दिया अपना मतलब पूरा हो गया मरने पे छोड़ दिया पूरे देश को और उनके जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन करजई वगैरह थे वो कंट्री से भाग से भाग गए वापस तालिबान रूल आ गया तो यूएस को कभी तालिबान से प्रॉब्लम नहीं थी तालिबान को हमको आपको ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जाता है दे आर टेररिस्ट तालिबान इज नॉट टेररिस्ट बेसिकली अलकायदा टेररिस्ट था वॉट इट क्लियर अब लोग बोलते हैं कि अलकायदा और तालिबान एक है, है. आपको अलकायदा okay. हाँ, अल को सपोर्ट करते थे अलकायदा उनको सपोर्ट करता है कि नहीं करता ये तो भाई एंडलेस डिबेट है तो अमेरिका ने तालिबान के साथ एक अग्रीमेंट किया भाई अभी तुम पीछे रहो क्योंकि तुम आगे आओगे तो उनको तो सामा चाचू को मारना है और तुम भी निपट जाओगे बीच में तो यू स्टे फार ऑफ लेट अस फिनिश और उसके बाद हम चले जाएंगे ये पूरा देश तुम्हारा हो जाएगा तो उनको कभी अफगानिस्तान से प्रेम था ही नहीं इंडिया के साथ क्यों इतना प्यार है अमेरिका को भाई हमारे कंट्री में बीस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिसमें से चौदह न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूएस के फोलेबोरेशन में हमारे साथ काम करते हैं तो यूएस को एडवांटेज क्या है भाई हमारा पड़ोसी देश है चाइना चाइना पे वो अपनी क्लोज नजर रख सकते हैं क्यों टर्की से जान पहचान बढ़ाई हुई है क्योंकि भाई वहाँ पे मिसाइल लगाई हुई उन्होंने कि गल्फ उनको परेशान ना करे लॉजिक समझ में आ गया तो आपके घर वालों की पड़ोस वाले अंकल आंटी से अच्छी जान पहचान क्यों है कि भाई पड़ोस वाले अंकल आंटी कभी जाए तो अपने घर की चाबी आपको दे जाए और आप लोग जाए तो अपने घर की चाबी उनको दे जाए आप उनके घर की चाबी लेने से मना कर दीजिए वो कल से पास्ता वगैरह बना के जो प्लेट में लाती है ना लाना बंद कर देंगी चाइना हमारे अगेंस्ट बिल्कुल है चाइना को क्यों इंटरेस्ट है पाकिस्तान में श्रीलंका में नेपाल में और सो so कॉल्ड बांग्लादेश में क्योंकि भाई वो चाहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी पावर है और यूएस की इनसे दोस्ती अच्छी है और चाइना को ये बात पसंद नहीं इसीलिए अगल बगल उन्होंने अपनी आंखें लगाई लगाएंगी तो रशिया हमारा दुश्मन इसलिए नहीं क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने बहुत एफर्ट किया था रशिया के साथ दोस्ती बनाने में और यूएस इसीलिए इंडिया को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहता है कि भाई अगर पूरा हाथ खींच लेंगे तो रशिया के साथ जुड़ जाएंगे ये इंदिरा गांधी जी के समय चल रहा है कि रशिया और इंडिया अगर मिल गए तो यूएस से और चाइना से बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे समझ में आ गया खैर तो हम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ में आ गया हिसाब किताब जैसे आपके पापा के बैंक अकाउंट का पासबुक होता है ना वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है तो रोजमर्रा की हरकतें कहां पे रिकॉर्ड होती हैं करंट अकाउंट में और कभी कभी वाली कहां रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट अकाउंट में तो अगर पैसे आए ज्यादा और गए कम तो वील से कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट इज फेवरेबल और गए ज्यादा है आए कम है तो बोलेंगे अनफेवरेबल समझ गए सब लोग होटल बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन चलिए बाकी तो ट्वेल्थ क्लास में और बढ़िया पढ़ाएंगे इसके ऊपर परेशान मत होइए सो इंडिया डिपेंड करता था फॉरेन लोन्स पे ज्यादा से ज्यादा क्यों क्योंकि भाई अगर आपकी कमाई कम है बट खर्चे आपके सिर पे लदे हुए हैं तो या तो बोरो करिए या अपनी जायदाद बेचिए जायदाद बेचने में प्रॉब्लम यह है कि ओनरशिप वहां चली जाएगी तो वो हम काम कर नहीं सकते तो इट इज बेटर टू बोरो और बोरो करने पर क्या देना पड़ता है चिल्ड्रेन एडिशनली इंटरेस्ट जिसको आप डेट सर्विसिंग बोलते हैं सो फॉरेन डेट कॉन्स्टिट्यूटेड थर्टी परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स मतलब सर जितना पैसा एक्सपोर्ट से कमाते थे बच्चों वन थर्ड तो सिर्फ उधारी चुकाने में चला जाता था इट्स जस्ट लाइक दैट आपकी कमाई तो है दो लाख रुपए महीना साठ हजार गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया और एक लाख रुपए की आपके इतने शौक हैं ईएमआई बांध ली अपने सिर में तो आपको महीने का बचा कितना तो आप परिवार के लिए नहीं कमा रहे हैं आप सरकार और ई के लिए कमा रहे हैं बेसिकली <laughs> चले आगे so, foreign exchange crisis, January से June 1991 में इतनी भयंकर बढ़ गई हार्डली इक्कीस अगर हम इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट ना करें तो हमारे पास कंगाली आ जाती तो समझ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूं बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका वाला हाल होता हाल उससे भी कहीं ज्यादा बदतर होता तो यहाँ पे दिमाग लगाया मनमोहन सिंह जी ने और लोगों को समझाया चंद्रशेखर जी की सरकार थी कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स को वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया गया बट वर्ल्ड बैंक को पता था मनमोहन सिंह जी तेज आदमी है देश को इस समस्या से जरूर बाहर कर देंगे तब जाके फॉरन पार्टिसिपेशन ओपन हुआ और उसके बाद जो थोड़ी बची कु खसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी कि भाई सबसे कम डेथ रेट इंडिया में था सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट यहाँ पे था को जो कॉपी करने में थे है ना, और एक तो लालच की से आगे बढ़ने की वो भी रहती है कंडीशन so in लगाई थी वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर और इंटरनेशनल मोनिट्री फंड में क्या कंडीशन लगाई थी कंडीशन वॉज दिस की भाई सो so कॉल्ड आप अपनी कंट्री में मनी सप्लाई को थोड़ा सा चेक करिए मैं स्लाइड को पढ़ रहा हूं इंडिया वाज रिक्वायर्ड टू कट डाउन फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट क्या होती है सर अब डेफिसिट तीन तरह की होती है बच्चों रोजमर्रा का खर्चा ज्यादा और रोजमर्रा की कमाई कम इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ठीक है फिस्कल डेफिसिट का मतलब हमारा टोटल खर्चा आई रिपीट हमारा टोटल खर्चा हमारी कमाई से मीट नहीं हो पा रहा हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है बोरो तो गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप अपने देश में एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम करिए कैसे कम करिए ये जो फ्रीबीज बांटते हैं गरीबों को ये बंद कर दीजिए वॉट इट क्लियर जो इतना पेंशन वगैरह देने का सिस्टम आपने रखा है रिटायरमेंट के बाद इसको भी कम करिए प्लस वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो भी आप फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इनवाइट करेंगे उनको थोड़ा सा टैक्स में रिलैक्सेशन दीजिए उनका टैक्स रेट थोड़ा कम करिए टैक्स हॉलीडे दीजिए तब जाके वो कंपनीज इंटरेस्ट दिखाएंगी आपके यहां आने में सो so, इतना सब होने से चिल्ड्रन हमारे यहाँ बेटर टेक्नोलॉजी आई तो सोचिए कि आप क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हैं और आपने मैकडोनल्ड जैसा कुछ सुना ही नहीं इट वॉज अ फैक्ट हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था लोगों के घर में फोटो खींचने वाला कैमरा होता था ना दैट यूज टू बी अ लग्जरी किसी के घर में लैंडलाइन फोन होता था बड़ा रईस माना जाता था रेडियो भी रईस माना।, माना जाता था तो मतलब ये सब चीजें लग्जूरियस आइटम्स थी आज आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स भी खरीद लो कोई परा? नहीं पड़ता ये सब चीजें थी नहीं फॉरेन ब्रांड्स की जैकेट जो आज आप पहनते हैं रिबॉक का जूता पहनते हैं, कुछ नहीं था सिर्फ एक बाटा का जूता मिला करता था एंड दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव जिसको आज कोई शायद खरीदता भी नहीं होगा सो वर्ल्ड बैंक ने पॉलिसी मेकर्स के ऊपर प्रेशर डाला चेंजेस ऐसे करिए कंट्री कोडेन फ्रेश क्रेडिट फ्रॉम आई एंड वर्ल्ड बैंक की वजह से ही इन्होंने अपनी क्राइसिस को थोड़ा सा कम भी किया पर एक चीज और किया चिल्ड्रेन जो यूएस का डोमिनेशन था वो थोड़ा सा हमारे ऊपर बढ़ गया बेसिकली तो इतनी कंडीशंस लगाने के बावजूद भी चिल्ड्रेन इंडिया डेड अफर्ट इन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये भी था जैसे कोक और पैप्सी इंडिया आया बता चुका हूं आपको फिर से बता रहा हूं जितना कंसंट्रेट कोला का वो इंडिया में इंपोर्ट करेंगे उतने इक्वलेंट वॉल्यूम के फ्रूट्स उनको यहां के किसानों से खरीद के विदेशी बाजारों में बेचने पड़ेंगे उन्होंने खरीदे तो बट बेचे नहीं सबका सब नदियों में समुद्र में फेंक दिया क्यों क्योंकि अगर बेचते तो उन कंट्रीज में उनकी कोल्ड ड्रिंक की सेल्स कम हो जाती सोचिए नाइनटी वन से पहले इंडिया में कोक अगर किसी को कोकोला कोल्ड ड्रिंक पीनी होती थी नियरेस्ट पता है क्या मिलती थी गोरखपुर सिटी का नाम सुना होगा नेपाल बॉर्डर वहां तक जाना पड़ता था पेप्सी और कोक इंडिया में नहीं मिलती थी उस समय Banta. हाँ बंटा मिलती थी वो कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक बेसिकली और दूसरा प्रॉब्लम आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन जी को जो हायर किया था वो इसीलिए किया था कि यूएसएसआर जो आज का रशिया है दैट टाइम इट वाज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स तो ओसा बिन लादेन को इसीलिए Actually, इन लादेन एजेंट और यूएस में उनकी परवरिश हुई तो इन लादेन को ये किया गया था कि आप में बढ़ेगा और हम आपको वहां की कमान सौंप देंगे बट उनको ये बेनिफिट दिया नहीं गया ऐसे ही गल्फ कंट्री में अपना डोमिनेशन बढ़ाने के लिए यूएस ने सद्दाम हुसैन के साथ डील की थी और वो कहावत है ना कि आ नहीं आ मुझे मार नहीं अपना कुत्ता जब अपने ऊपर भौंकने लगता है तो उसे गोली मार देते हैं तो जब उन्होंने अपनी डिमांड्स क्रिएट की ये यूएस को अच्छा नहीं लगा सर वो आया तो मतलब ये लाइक आई कैन से बात है मतलब हम बोल सकते हैं उसको कि ये 1860s, 1870s से था कि भाई अपना मॉडर्नाइजेशन गल्फ कंट्रीज में लेके आओ तो ये सब चीजें पसंद नहीं थी इन गल्फ कंट्री के लोगों को ऑयल नहीं सिंपल एज दैट में बहुत है यूएस के पास बट जो उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है इसलिए यूएस चाहता है कि गल्फ का ऑयल जल्दी से जल्दी फिनिश ऑफ हो जाए और हम दुनिया पे पेस्का तो बट अब उनकी हालत खराब है बेसिकली सो यूएसएसआर एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है मेजर मार्केट फॉर इंडियन कंज्यूमर गुड्स तो यूएस और यूरोप सबसे बड़े बाजार बन गए जिनसे हम सामान खरीदा करते थे अब यूएस कोई बात पसंद नहीं थी क्योंकि इनकी दुकान बढ़िया चल रही थी और यूएस की दुकान एकदम टोटल चौपट चल रही थी तो 1990 में पॉलिटिकल सिस्टम इन कंट्रीज बिकेम मार्केट ओरिएंटेड मतलब ये सब के सब बाजार कैपिटलिस्ट बन गए किससे सोशलिस्ट थे So to हाँ, का पानी और हमारी नदी से मिल जाए तब जाके इंडिया की तरक्की स्टार्ट हुई तो फॉरिन एक्सचेंज क्राइसिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बट डिसीजन वॉज दिस की भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इधर इटबी होंडा और मिट्सू कितनी भी कंपनीज का आप नाम ले लीजिए सारी की सारी इंडिया में चली आई और अल्टीमेटली हमारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बहुत साथ दिया था बट फॉर सॉरी फॉरेन क्राइसिस 1993 तक पूरी तरह से खत्म हो गई बट 92 में एक नया नाटक चालू हो गया था गल्फ वॉर के साथ आपने सुना होगा अभी दाऊद इब्राहिम की कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी अब पता तो नहीं फेक न्यूज थी बकवास थी नहीं नहीं, नहीं नहीं पता नहीं क्या था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नाइनटी टू में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया था क्योंकि तो अब इंडिया तरक्की करने वाला था तो सोचा गया कि अगर ये सब हरकतें कराएं अरे पीटीए ये सब हरकतें कराएं तो लोग डर जाएंगे और यहां से भाग जाएंगे बट हमारे यहाँ लोग फोर्टी लो एट आवर्स के बाद सब भूल जाते हैं समझ में आ गई बात चलिए तो ये बात समझ में आ गई चल हीरो बिहाइंड दिस नेशन विच वॉज जीरो

आपको दिखाई देना ट्रेडिंग वो इंडिया की सबसे आगे है और चाइना वगैरह का भी ग्रोथ रेट ठीक है बट वो पुराना इतना ज्यादा ग्रोथ हो चुका है तो वॉल्यूम हमसे ज्यादा है बट जो प्रेजेंट ग्रोथ है वो इंडिया की ही सबसे तो इसको, मत इसको आप मत देखिए आप सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ को देखिए आई रिपीट सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ आग लगी कहां ज्यादा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं आग फैल कहां ज्यादा रही है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट तो यूएस में ग्रोथ रेट कितना है ढाई पौने तीन परसेंट यूरोपियन कंट्रीज टू पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट टू के आसपास चल रही हैं। हमारा आज भी सात आठ चल रहा है एटलीस्ट हाँ वो बेकार हो चुके हैं पूरी तरह से तो वो जो नहीं बच्चे होते हैं वो अपनी का वही हो वही 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 इंडिया में भी ऐसा होगा होगा परेशान से स्टार्ट और मीनिंग ऑफ द इकोनोमी सो पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग डिफेंस अटोमिक एनर्जी रेलवे और मेटल्स इनको छोड़ के सबको लिबरलाइज कर दिया गया जिससे आई और लोगों को अच्छा इंश्योरेंस मिला सो so, गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने इंडस्ट्री वगैरह पे हटा लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर ये सब चीजें बहुत बार आपको है मैंने लजीज फेयर वर्ड नजर आ रहा है बच्चो अब ये मत सोचिएगा फेयर में गए थे घूमने बड़ा लजीज खाना मिला लजीज फेयर का मतलब होता है गिव फ्रीडम टू द बिजनेसमैन फैक्ट्रीज़ पे कोटा लगाया जाता था एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो गुरु मूवी में था गुण गुण ना आ, वो सब था वो सही बात है फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी चल रहे इज डी लाइसेंसिंग मतलब हर वो इंडस्ट्री एटॉमिक एनर्जी रेलवे डिफेंस हैवी मेटल्स छोड़ के जहां पे लाइसेंस की जरूरत थी हर जगह लाइसेंस खत्म कर दिया आप आटे की चक्की नहीं खोल सकते थे उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कपड़े का होलसेल का बिजनेस करना हैवर्नमेंट वॉन्टेड टू नो कि जो भी इंसान कोई काम कर रहा है वो हमारे सो कॉल्ड प्रिव्यू के नीचे काम करे आज पॉलिसी है आप गोल्ड का अगर बिजनेस करते हैं चिल्ड्रेन तो आपको बी आई एस हॉलमार्क लाइसेंस लेना जरूरी है एक्च यू आई टी नंबर आपकी ज्वेलरी पे होना ही होना चाहिए <coughs> समझ में आ गया सो पुराने जमाने में यस yes? पैक फूड के लिए तो पैक के पैक के बट पहले तो लाइसेंस मिलता ही नहीं था पहले आप पैक फूड बेच ही नहीं सकते थे इसलिए कचौड़ी की दुकान लगाते थे लोग सो रेगुलेटरी सिस्टम में लाइसेंसिंग वॉज द बिगेस्ट हर्डल दैट्स वाई इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाती थी दो से तीन साल लग जाता था सिर्फ लाइसेंस अप्रूव कराने के लिए और पता लगा उसके बाद आपकी मशीन जो थी पड़े पड़े जंग खा गई जिस चीज के बारे में आपने सोचा था प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचने में अब उसका फैशन उसका डिजाइन मार्केट से खत्म हो गया एंड करप्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ओनली मेड देम रिच चिल्ड्रन तो लाइसेंस परमिट राज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया को में बात गई यहां पे बच्चों कुछ इंडस्ट्रीज लिखी हैं लाइसेंस वॉज एबोलिश इन ऑल एक्सेप्ट एल्कोहल टोबैको हजार्डस केमिकल डिफेंस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव इसी सब में टॉमिक एनर्जी भी आ गया बेसिकली तो ये चार पांच इंडस्ट्रीज छोड़ के गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जिसको जिस भी चीज का बिजनेस करना है दे आर अलाउड टू डू दैट फूड और फार्मा पे रेगुलेटरी लाइसेंस था मतलब आपको अलाउ किया गया था बट आपको परमिशन सैंपल दिखा के गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगीउट तो हाँ, uh, so I mean करप ही नहीं था उसमें एम आर टी पी एक्ट वॉज देन एम आर टी पी एक्ट बेसिकली था क्या अब ये खत्म हो गया इंडिया में और इसकी जगह पे 2002 में चल रेन एक नया कानून बन गया दैट इज कॉम्पिटेशन एक्ट जिन बच्चों ने ICSE क्लास 9 10 में कमर्शियल एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिया होगा उन्होंने शायद MRTP पढ़ा होगा तो MRTP एक बोलता है कि आप किसी भी तरह की मोनोपोलीस्टिक एक्टिविटी नहीं कर सकते मतलब अगर मेरा कार बनाने का शोरूम है तो मैं सिर्फ आप ही को राइट्स दूंगा मेरी कार बेचने के ये जरूरी नहीं, नहीं है तो इस तरह की मोनोपोली को खत्म किया गया एनी बिजनेसमैन इफ डूइंग एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मिलावटी सामान बेच रहा है अडल्ट्रेटेड फूड बेच रहा है तो उसके ऊपर so, इनके ऊपर एम आर टीपी एक्ट लागू होता था अब यह कानून खत्म कर दिया गया देश में सो इट वॉज एबॉलिस्ड एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी जस्ट नो एट तो मोनोपोली हाउसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर टू सी प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट तो अगर आपने कार की फैक्ट्री लगा ली और आप एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो अंडर दिस एक्ट इट वॉज द रूल कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी जब गवर्नमेंट बोलेगी ये योर कोटा हैज बीन एक्सपेंडेड एंड यू कैन सेटअप वन मोर प्लांट तब तो आप प्लांट सेटअप करते थे एल्स आपको फैक्ट्री लगाने की परमिशन थी ही नहीं बट एज ऑफ नो वॉट की परमिशन ले लीजिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द वॉटर सप्लाई इलेक्ट्रिफिकेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वो क्या कहते हैं अपना फायर डिपार्टमेंट बस इनके एनओ आपको चाहिए और आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं और गुजरात तो इतना बढ़िया है आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए कि मेरे को बिजनेस सेटअप करना है यू विल गेट अ डेट लैंड ऑन द एयरपोर्ट रीच एट द सो कॉल्ड रेलवे स्टेशन यू विल बी एस्कॉटेड बाय टू थ्री सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो ऑफिशियल्स आपको पांच दस जगह लैंड एरिया दिखा देंगे जो साइट आपको पसंद आएगी फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज में रिवर्ट बैक करिए जो नेसेसरी लाइसेंस फीस जो भी रजिस्ट्रेशन फीस और ऑल दैट है वो आपको बस पे कर देना है सारा एनओसी का, का काम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिफिकेशन म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन फायर सारा काम गवर्नमेंट करेगी आपको कहीं घूस और ब्राइब देने की जरूरत नहीं है तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है एंड बिजनेसमैन को तब अच्छा लगता है हाँ अब हमारे लिए सो कॉल्ड माहौल कंजीनियल है थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज्ड किस किस बच्चे ने इस शब्द को आज से पहले सुना था एस -E ई इना है कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकोनॉमिकोन मैनिया प्लेसेस अगर आपने कभी बाय रोड ट्रेवल किया हो आपको इंडस्ट्रियल एरियाज नजर आते होंगे चिल्ड्रेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पे अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हो तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्सेशन वाटर सप्लाई चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीथिंग थिंग चिल्ड्रेन तो लोकेशन पॉलिसी थी फ्रीडम हैज बीन गिवन टू टू इंडस्ट्रीज स्टार्ट देयर ओन ऑपरेशन एट ऑल है तो पहले रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन पे था बट अब गवर्नमेंट बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही है like लाइक रिसेंटली चिल्ड्रेन प्रयागराज सिटी में यमुना रिवर के बगल में जहां पे ओल्ड फोर्ट है एक जगह है गवर्नमेंट का ये क्या कहते हैं अपना जो यूपी टूरिज्म है इनका एक त्रिवेणी दर्शन करके बैंको हॉल टाइप है तो वहां पे नियर टू द रिवर बैंक ओनली नदी वहां से बहुत नजदीक है तो वहां पे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की परमिशन दे दी गई है अभी वो इनोग्रेट हो जाएगा जनवरी के आसपास चल रहा है या अगले वीक में हो जाएगा अब ऐसे ढेर सारे बिजनेस बढ़ेंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा खाना ज्यादा खा लिया घर जाने का मन नहीं कर रहा नदी में कूदना तो वहां कूद भी सकते हैं सो सिटीज विद मोर देन वन मिलियन पॉपुलेशन वन मिलियन का मतलब जानते ना टेन लाख यहां पे आप किसी भी लोकेशन पे अब बात है स्कूल के अंदर फैक्ट्री ना सेटअप कर ले कोई तो अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा आपको पेपरबाजी करने की जरूरत नहीं है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एक्स लिमिटेड अ अ कंपनी कंपनी वाई लिमिटेड ये दोनों मिलके एक्स वाई लिमिटेड बनना चाहते हैं 91 के पहले तो अलाउड ही नहीं था अलाउड ही नहीं था आप बंद करिए दोनों बिजनेस बीच में अलाउ हुआ भी तो रेस्ट्रिक्शन इतने भयंकर बिजनेसमैन सेड दो हमें नहीं मरजो ना बट नाउ नाउट इट इज अलाउड नो प्रॉब्लम एट ऑल कैपिटल मार्केट का लिबरलाइजेशन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है चल रहा है बहुत ज्यादा इसके बारे में जानता हूं तो आपको बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा आपने बच्चों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का शायद नाम सुना होगा एन एस सी वर्ल्ड का बच्चों इंडिया का नहीं वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या वीडियो से देख सकते हैं जहां पे बच्चों ऑनलाइन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हुई वर्ल्ड का पहला एंड इंडिया दुनिया में चाइना के बाद दूसरी कंट्री है जहां पे अगर आप आज पर्टिकुलर एक डे पे शेयर खरीदते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे वो शेयर आपके डिजिटल अकाउंट डीमैट अकाउंट में आ जाता है इंडिया के पहले चाइना ने इसको परस्यू किया था और इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड यूएस में भी अभी ये सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है तो पहले जो स्टॉक ट्रेडिंग ऑपरेशन थे दे वर रेस्ट्रिक्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ टू चीट एक्चुअली एंड दे वर कॉल्ड एस ब्रोकर्स नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन हुआ करता था किसी जमाने में ये बात मैं कर रहा हूं बच्चों लेट uh, से 19 फिफ्टीज uh, फोर्टीज के बारे में ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस समय सोलह नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम से कोऑपरेटिव सेटअप किया गया और इतने बाज थे कलाकार थे ये लोग आप अगर शेयर खरीदना चाहते थे तो सिर्फ उसी कंपनी का शेयर बिकवाते थे जिसमें इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता था कंपनी ने इनको घूस दे दी हमारा शेयर बिकवा दो तो सौ रुपए का हम तुम्हें बीस रुपए घूस देंगे और आप लोगों को चीट करके ये शेयर बिकवाते थे और पता लगा कंपनी दो महीने बाद भाग गई। इनके बीस रुपए बन गए तो जब गवर्नमेंट ने ये सब रैंपेंट पॉलिसीज़ देखी तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये नहीं चलेगा पहले द पीपल so थी गवर्नमेंट ने कहा तीनों एक हाथ में नहीं रह सकती या तो आप मालिक बन जाइए मैनेजमेंट और ट्रेडिंग छोड़ दीजिए या तो आप मैनेजमेंट देख लीजिए ओनरशिप और ट्रेडिंग छोड़ दीजिए या तो आप ब्रोकर दलाल बाइंग सेलिंग करवाइए लोगों को और ओनरशिप और मैनेजमेंट छोड़ दीजिए तो कहने का मतलब अगर आपके दादाजी ने एक स्कूल खोला तो आपके फैमिली का कोई भी पर्सन जिंदगी भर वहां जॉब नहीं कर सकता और अगर जॉब कर रहे हैं तो फैमिली को स्कूल की ओनरशिप से नमस्ते करना पड़ेगा पीपल अंडरस्टूड इसको बोलते हैं बच्चों डी क्या बोलते हैं डी फिर 1978 80 के आसपास जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कायदे से काम करने लग गया तब से ये प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ बट उतना ट्रांसपेरेंट था नहीं गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई इंक्वायरी कमीशनस बैठे तब जाके चिल्ड्रन 19 सो so कॉल्ड 96 में फॉर्म हुआ व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दुनिया का पहला इंटरनेट एनेबल्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में इस जमाने में अट्ठाईस स्टॉक एक्सचेंजेस थे हर स्टेट में एक चला करता था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सबको प्रेम पत्र पकड़ा दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस बात को काफी सीरियसली टेकअप किया एंड दे स्विचड फ्रॉम ऑफलाइन टू फुल्ली ऑनलाइन बाकी इंडिया में जितने स्टेट्स में स्टॉक एक्सचेंजेस थे यूपी में कानपुर में था देन uh, हर स्टेट में था दिल्ली में भी था सारे के सारे बच्चों बंद हो गए और तब आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सुपर ट्रांसपेरेंसी से काम करता था खोपड़े में बात गई कि नहीं गई हर्षद मेहता वॉज नॉट अ स्कैम बेसिकली हर्षद मेहता का स्कैम एकदम गलत है ये जो लोग स्कैम बोलते हैं गलत बोलते हो बेसिकली इट वॉज नॉट अ हर्षद मेहता स्कैम इट वॉज अ बैंकिंग स्कैम बेसिकली अब आप ऐसे समझ लीजिए मैं जूम को कैसे यूज करता हूं फोर हंड्रेड थर्टी नाइन रुपीज पर मंथ पे करता हूं ठीक है अब मैं जूम से लेक्चर ले रहा हूं बीस मिनट का चालीस मिनट का एक घंटे का दो घंटे का मेरे दो दो घंटे के वीडियोज भी हैं उन्हीं को मैंने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करके स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन पे कन्वर्ट कर दिया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया अब जूम वाले क्या बोलेंगे आप हमारी फैसिलिटी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप पैसे तो एकदम हमको थोड़े से देते हैं बट उससे इतना पैसा आप कमा रहे हैं Am I cheating anybody? किसी कानून की किताब में लिखा है कि मैं चीट कर रहा हूं नहीं लिखा तो क्यों आप मेरे को चीटर बोल रहे मैंने सिर्फ अपनी अकल को इस्तेमाल किया जूम मेरे को एक अच्छा रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म so दे रहा है मैंने इस डेफिनेशन रिकॉर्डिंग को अल्ट्रा फोर के में कन्वर्ट कर दिया किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से और वो सॉफ्टवेयर भी मान लीजिए फ्री में मेरे को मिल गया बिकॉज मेरे दोस्त ने उसका लाइसेंस लिया था और मैंने यूट्यूब में बढ़िया हाई डेफिनेशन वीडियो अपलोड कर दिया

हमारे बैंक में चेक आने में इतना ढीलम ढालम सिस्टम था कम से कम पंद्रह दिन लगेंगे फिर कस्टमर के अकाउंट में पैसा डालने में पांच दिन लगेंगे में बात गई कितना टाइम पीरियड हो गया बीस दिन क्यों स्टाफ कम था उतना कंप्यूटरफिकेशन था नहीं उतना क्या बिल्कुल नहीं था नाइनटीज तक तो नाइन्टी में तो कंप्यूटर इंडिया में आया वॉट इट क्लियर उसके बाद सारा काम मैनुअली होता था तो उतनी जल्दी रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाते थे समझ में आ गया आज आपको एक लाख रुपए किसी को ट्रांसफर करना है एक सेकंड में यूपीआई कर सकते हैं कंपेयर गो टू बैंक बैंक से पैसा निकालो और वो इंसान पांच किलोमीटर दूर रहता है उसके पास जाओ दो तीन घंटा लग जाएगा कम से कम से तो मेहता ने इस लूप होल को इस्तेमाल किया उसने मैनेजर के साथ सेटिंग की कि भाई आपके बिजनेस के जो क्लाइंट है वो जब चेक से पैसा किसी को देंगे इट विल टेक टोटल ट्वेंटी डेज हाउ मेनी डेज ट्वेंटी डेज बीस दिन तो पैसा आपके पास पड़ा रहेगा इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैंने आपसे ये सामान खरीदा और मैंने आपको चेक दे दिया और मेरे को पता है कि मेरे अकाउंट से आज चेक देने के बाद बीसवे दिन पैसा आपके पास आएगा बट मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि कब आएगा कल भी आ सकता है टेंथ डे भी आ सकता है ट्वेंटी डे भी आ सकता है तो अर्षद मेहता ने एक सीरीज को नोट किया कि भाई पंद्रह से बीस दिन तो लगता ही लगता है इससे कम पे सेटलमेंट हो ही नहीं पाता तो बैंक मैनेजर को उसने बोला भाई साहब ये सामान बिकाए जिसने सामान खरीदा है उसने तो चेक काट के दे दिया बट चेक का पैसा कितने जल्दी 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 तो स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा समझ में क्या मैं उससे शेयर खरीदूंगा कल को मैं शेयर बेचूंगा प्रॉफिट होगा मैं आपको दे दूंगा आपका प्रिंसिपल मनी आपको वापस हो जाएगा आपका क्या नुकसान बैंक मैनेजर ने कहा बात तो ठीक कर रहा है इसमें हो सकता है ना हमने दस सौदे किए दस में से सात में फायदा हो गया तीन में नुकसान हो गया और उस तीन का नुकसान इतना बड़ा था ही नहीं जो सात से कवर अप ना किया जा सके तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज वी स्टैंड इन टू प्रॉफिट मैनेजर को बात तो समझ में आई तनख्वाह तो मिल ही रही है बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं तो ये काम चालू हुआ कुछ हजारों से और पहुंच गया कुछ पांच सौ अस्सी छह सौ करोड़ में तब जाके जब लोगों को पता लगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्यों इतना ऊपर जा रहा है कोई भी बाजार में दाम तब ऊपर जाता है जब बायर बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि पैसे कहां से आ रहे हैं समझ में आई बात तो मैं डेली आपको एक लाख रुपए और बोलूं जाओ सब्जी मंडी से पूरे इंडिया में आलू खरीद के ले आओ आज आपने आलू बीस रुपए का खरीदा फिर कल मैंने सबको एक लाख रुपए दिया आलू खरीद के ले आओ फिर आप आलू खरीदने गए हर दिन जब आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो वॉट इजनिंग इन वेजिटेबल मार्केट आलू की डिमांड बढ़ रही है तो आलू वाले ने आज बीस में आलू बेचा कल बाईस में फिर चौबीस में चार महीने बाद आलू हो गया एक सौ पैंतीस रुपए का अब लोगों का पहले तो दिमाग ये खराब हुआ पैसा कहां से आ रहा है इतना आलू खरीदने के लिए पैसा बैंक से आ रहा है कुछ ने यह भी सोचा टेररिस्ट फंडिंग हो रही है बट टेररिस्ट फंडिंग हो ही नहीं रही थी ये बात किसी के दिमाग में आई नहीं कि ऐसा भी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग और नॉट लाइक like जब ये बात उठी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर सबसे सेफ कहां रखे जा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में रख दो स्कूल के एग्जामिनेशन रूम में रख दो प्रिंसिपल अपने घर ले जाए बैंक से ज्यादा सेफ कुछ हो ही नहीं सकता हाँ बैंक में रखो किसी के दिमाग में बात कभी गई नहीं समझ समझना गया तो आलू का दाम कितना हो गया एक रुपए अब अर्शद मेहता ने दिमाग लगाया अपने लोगों को बेचा बेचा बाजार और बोला जितना आलू खरीदा था पिछले चार महीने में सब बेच दो ये मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूं ऐसी हरकतें हर दूसरे तीसरे दिन होती थी उस जमाने में तो गए भाई इसके लोग आलू बेच बोली 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 उज्जवल जी सर हर्षद हर्षदेशन का तो स्टॉक मैनिपुलेशन ऐसे ही होता था ना आलू को आप स्टॉक समझ लीजिए किसी कंपनी का।, का तो अब हर्षद मेहता ने अपने लोगों को भेजा सब्जी मंडी और बोला जरा आज आलू का रेट पूछ के और क्या है तो सब्जी मंडी में लोगों ने बोला कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो रेट एक है और अपना आलू बेचना चाहते हैं तो एक सौ सत्ताईस एक है क्योंकि सब्जी वाले को पता था ये डेली आते हैं खरीदने और भी लोग आते हैं कल फिर आएंगे कोई इस रात की सुबह नहीं आज ये आलू बेचेंगे बट कल खरीदने अब कोई नहीं आएगा तो 20 वाला आलू भी 125 में बिक गया जो 124 का परसों लिया था वो भी आज 125 में बिक गया जो 100 वाला था वो भी 125 में बिक गया तो सोचिए पांच गुना प्रॉफिट हो गया छह महीने में पांच पांच सौ परसेंट छह महीने में तो साल का एवरेज एक हजार परसेंट हो गया कि नहीं हो गया और लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो कैसे रहा है और लोगों ने बोल दिया फ्रॉड है चोर है कहां से चोर है उसने सिर्फ गवर्नमेंट के लूप होल को इस्तेमाल किया उसके बाद फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और ढेर सारे कानून बने और चेंजेस आए कि बैंक अपना पैसा सिर्फ उन पर्पसेस के लिए यूज करेगा जो नॉन स्पेक्यूलेटिव होंगे जो आरबीआई ने बोले तब ये सब सिस्टम आना स्टार्ट हो गया आप ऐसा समझ लीजिए आपने अपने मोहल्ले में पचास लोगों को पकड़ लिया कितने लोगों पचास और सब का एक करोड़ का इंश्योरेंस करा दिया और सब का प्रीमियम आ रहा है बीस हजार रुपए साल भर का सबका टर्म इंश्योरेंस करा दिया आप मान के चल रहे हैं पचास में दस तो मरेंगे ही मरेंगे अगले तीन साल में समझ में तो आपने पचास लोगों का बीस हजार रुपए के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम देना स्टार्ट किया तो वि इंटू ट्वेंटी थाउजेंड चल रहा है टेन लाख ठीक है दस लाख थी दस, तो मरेंगे, मरेंगे. दस नहीं मरे सिर्फ सात लोग मरे सबका एक एक करोड़ रुपया आपको मिलेगा टोटल कितना क्लेम मिल गया आपको सात करोड़ आपने तीस लाख प्रीमियम भरा था और सात करोड़ प्रीमियम मिल गया तो यू स्टैंड इन टू अ प्रोफिट ऑफ उफ सिक्स पॉइंट सेवन करोड़ अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्रॉडलेंट के आइडिया था ये तो क्योंकि ये कानून में लिखा तो आपको जेल हो जाएगी इस हरकत पे बट जब तक कानून नहीं था और आप ये काम कर रहे थे तो जेल जाने का कोई प्रोविजन था ही नहीं तो हर्षद मेहता की हरकतें फ्रॉड नहीं थी बेचारे ने टाइम से पहले

तो लोग खरीदेंगे जाके शेयर मार्केट से और स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे लोगों का भरोसा बढ़ेगा इस बाजार में अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग और नोट हाँ कोई गलती नहीं थी उसकी गलती बस तो ये थी कि वो समय से जल्दी रही बन गया गलती बस यही थी किसी तो uh, में आ गया तो सेबी वगैरह को तभी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और ऐसा नहीं कि आज स्टॉक मार्केट में फ्रॉड सब नहीं होते हैं बट ये सबसे बड़ा था आज भी होता है हमेशा होता है अभी आपने देखा कुछ दिन पहले इंडेक्स कितना बढ़ गया था अब पंद्रह पॉइंट चार दिन में फिर नीचे आ गया तो ये भी एक तरह की कॉर्नरिंग तो थी हाँ तो बस वही नाटक है कुछ ना कुछ रहा होगा समझ में आ गई बात चल रहा कोई क्वेरीज किसी की चलिए